फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे राइट डाउन द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द पी ब्लॉक, तभी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? जस्ट राइट डाउन ग्रुप वाइज. These three reaction, or I must say five reaction is four. Three reaction is the for the preparation of the nitrogen. You have taken two salts, ठीक है? दोनों टेस्ट ट्यूब में लिए हैं, मिक्स कर दिया आपने, ठीक? तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिला और साथ में गैस मिली, ठीक है? कौन कौन सा सॉल्ट लिया? लिया कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सोडियम नाइट्राइट सोडियम क्या नाइट्राइट. एनओ टू नेगेटिव इज नाइट्राइट, एनओ थ्री नेगेटिव इज नाइट्रेट, और जो नाइट्राइल होता है वो ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है? सो दिस इज नाइट्राइट. तो हमने कौन कौन से सॉल्ट लिए हैं? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट. दोनों को टेस्ट ट्यूब में लिया, वाटर डाला, मिक्स किया, तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला और साथ ही हमें क्या मिला? नाइट्रोजन गैस, ठीक है? उसके बाद हम ऐसे सॉल्ट को थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे जिसको हीटिंग करने के बाद हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाए. तो राइट डाउन. सो पहले अमोनियम डाई कार्बोनेट. हाँ जी, कोई नाम नहीं है. 15 ग्रुप में कौन से नेमिंग रिएक्शन करी है आपने? वो क्लोरीन में आती है, ठीक है? सो यू हैव टेकन अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट जब आप लोगे तो हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के साथ क्रोमियम की ऑक्साइड मिलेगी और साथ में आपको क्या मिलेगा? वाटर. राइट डाउन, अपने आप राइट डाउन. नाइट्रोजन, क्रोमियम की ऑक्साइड एंड वाटर. तो थ्री रिएक्शन ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन यू शुड रिमेम्बर. वन, बाय मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट एंड गिविंग यू सॉल्ट प्लस वाटर एंड गिविंग यू नाइट्रोजन गैस. सेकेंड, टू रिएक्शन आर बोथ द रिएक्शन आर थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है? दोनों में आप हीटिंग करते हो. एक में सोडियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हो, नाइट्रोजन क्रोमियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा. दूसरे में बेरियम नाइट्राइड लोगे तो आपको बेरियम अलग और नाइट्रोजन अलग मिल जाएगी. वैसे ही अगर जब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें नाइट्रोजन की, तो आप इनको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको नाइट्राइड ही मिलती है. फॉर एग्जांपल, अगर लिथियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको लिथियम नाइट्राइड मिलेगी. बनाओ जल्दी, हरी अप. लिथियम प्लस नाइट्रोजन, इट विल गिव लिथियम नाइट्राइड. फिर बैलेंस अकॉर्डिंगली. आईडी ई
आईडीई नाइट्राइड, जैसे ऑक्साइड होता है। बेटे NO2 नाइट्राइट टीई, हाँ जो थ्री वाला होता है वो नाइट्रेट। इसके अलावा बेटे पहले तो था कि ऑक्साइड्स की भी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, मगर अभी इस बारी ऑक्साइड की सिर्फ स्ट्रक्चर है ना, बाकी डिलीट हो गया, तो हम इसको एक बार ड्रॉप आउट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड वाली देखते हैं हम, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। हरिया सबसे पहले आप करो बेटे कॉपर, इसको डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करो, इसको कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट करो। दोनों में आपने एक सॉल्ट बनाना है जो कि नाइट्रेट का सॉल्ट है, दोनों में ही आपने सॉल्ट बनाना है जो नाइट्रेट का सॉल्ट है। फर्क डाइल्यूट में NO बनेगा, इसमें NO2 बनेगा, और दोनों में ही चलो अब यहां लिख लो प्लस वाटर प्लस वाटर, आई एम नॉट बैलेंसिंग इट। अब ऐसे इस रिएक्शन में क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटे, इस रिएक्शन में आपको एंड प्रोडक्ट पूछा जाता है, ठीक है, MCQ में, कि जब हमने कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिली, NO2 मिली, NO मिली, NO3 कुछ भी बना देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन। तो आपको एंड प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें एंड में किस में NO मिलता है, किस में NO2 मिलता है, ये आपको रिएक्शन लिखनी तो आएगी नहीं अब, ठीक है। जो डिफरेंस है वो मार्क किया करो कि इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है NO और NO2 का, ठीक है। उसके बाद जिंक की भी रिएक्शन कर लो, जिंक इन केस ऑफ जिंक जब डाइल्यूट होता है बेटे तो यू गेट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इन केस ऑफ कॉपर यू आर गेटिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO मिली थी अकेली, इन केस ऑफ जिंक यू आर गेटिंग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। हो गया, अब ये बात करी हमने मेटल्स की, वैसे हम नॉन मेटल्स को रिएक्ट करके देखे। नॉन मेटल्स को आप दो में नहीं डिवाइड करोगे, आप इकट्ठा रिएक्ट करोगे, तो राइट डाउन कौन कौन से नॉन मेटल्स करने हैं, एक आयोडीन है, कॉपर है, राइट डाउन या इकट्ठी रिएक्शंस लिखनी है आपने। कार्बन है, वन इज आयोडीन, वन इज कार्बन बाद में लिखते हैं, सल्फर एंड फॉस्फोरस। कार्बन क्यों लास्ट में लिखो, कार्बन मैं क्यों बताऊंगी बाद में, लास्ट में क्यों लिखा मैं, राइट डाउन यहाँ पे पहले है बट यू विल राइट लास्ट, ठीक है, ठीक है। अब नॉन मेटल्स उठा लो, आयोडीन सल्फर फॉस्फोरस, सल्फर की ऑक्टा एटॉमिक स्टेज है, फॉस्फोरस की P4 है।
अब बेटे ये बहुत ज्यादा इजी, इसको रिमेम्बराइज करना, ये तीनों नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड करके फर्स्ट थ्री अपने अपने एसिड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने अपने इनके एसिड्स बनाओ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इसका हो जाएगा बेटे आयोडिक एसिड, इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और इसका हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। नीचे वाले में 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट ही रहा, अदरवाइज डाइल्यूट भी बन जाता। ठीक है, इसकी एक ही रिएक्शन है बेटे, इसकी डबल तो है नहीं, है ऐसी पेपर में आएगी। सल्फर और फॉस्फोरस कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, मगर आपने एक ही करनी है, हो गया। उसके बाद बाकी जो प्रोडक्ट बनते हैं बेटे वो सिमिलर बनते हैं, सबकी केस में ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, फॉस्फोरस तो आपके सेबस में है नहीं। अब मैंने कार्बन क्यों छोड़ा बेटे, अकेला कार्बन छोड़ा क्योंकि कार्बन में कार्बोनिक एसिड बनता है जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपको कार्बन में जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो अभी तक क्या सीखा हमने इस फैमिली से 15th में, एक तो आपने नाइट्रोजन बनानी सीखी, वो कैसे बनाई, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड को मिक्स किया तो आपको एक सॉल्ट मिला जो कि NaCl है, वाटर है N2। ऐसे याद करोगे जल्दी होगा, ठीक है। फिर दो की थर्मल डिकम्पोजिशन करी, किसकी, अमोनियम, क्या मिला आपको, गैस ऑक्साइड और वाटर। फिर आपने फिर नाइट्राइड ली तो आपको क्या बना, बेरियम प्लस नाइट्रोजन, और किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करोगे नाइट्रोजन को तब आपके पास क्या बन जाती है, नाइट्राइड बन जाता है। फिर उसके बाद हमने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करी तो जिंक और कॉपर की देखी, कॉपर में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की देखी, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो भी लेते हो चाहे वो जिंक है चाहे वो कॉपर है तो आपको एक नाइट्रेट प्लस वाटर तो मिलना ही मिलना है, सॉल्ट, जिंक नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर। अगर डाइल्यूट है और कॉपर का केस है तो आपको NO मिलेगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 मिलेगा, अगर डाइल्यूट जिंक की केस में है तो N2O मिलेगी, नहीं तो NO2 मिलेगा। ठीक है, फिर हमने सारे नॉन मेटल्स देखे, नॉन मेटल्स में आयोडीन सल्फर कार्बन और फॉस्फोरस, कार्बन हमने लास्ट में रख दिया क्योंकि ये हमें गैस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, बाकी तीनों एसिड्स देंगे, वाटर देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटे जो लास्ट ईयर तक हम करवाते थे तो हम मैंने स्क्रूटनाइज करे थे फॉस्फोरस की रिएक्शन, मगर आई थिंक नाउ फॉस्फोरस इज नॉट इन योर सिलेबस तो उसको आप छोड़ दो, नहीं है वो, उसका सिर्फ एलिमेंट्री आईडी है। अच्छा, एक आप रिंग टेस्ट जरूर करो, रिंग टेस्ट में आपको करवा दूं, रिंग टेस्ट आप याद करो, आप इवन लैब में भी करते हो, है ना। तो आप लैब में किसके लिए करते हो, नाइट्रेट्स के लिए करते हो, तो नाइट्रेट्स में क्या डालते हो आप ध्यान से देखो, फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द वॉल्स, इफ यू रिमेम्बर, तो आपको ब्राउन रिंग मिलती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, H+ आयन ही देगा, ठीक है। FeSO4 क्या देगा, Fe2 पॉजिटिव ही देगा,
ठीक है, तो रिंग टेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि कभी कभी आपको रिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, चलो करो अभी। तो टेक Fe2 पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट। So you are taking Fe2 positive and you know that this Fe2 positive is coming from freshly prepared ferrous sulfate, if you remember. And you are giving H positive. These H positive will come from concentrated sulfuric acid जो along the wall डालते हो। और ये टेस्ट किसके लिए होता है? नाइट्रेट के लिए। ठीक है, तो NO और इसमें जो ये फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटे जो वाटर मॉलिक्यूल है, यू विल डू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल फेरस के साथ जो बचा होगा उसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, तभी कहते हैं ना एक्सेस में फेरस सल्फेट डालो, और बाकी जो एनओ बनता है एक कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाता है। कैसे? 6 वाटर इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यू विल अंडरस्टैंड द नेमिंग इन द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, जब हम बोलेंगे हेक्सा एक्वा, हाँ, तो यू विल से इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये बनेगा वो एक इस एनओ के साथ जो है कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसमें से एक वाटर बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे 5 वाटर और एक एनओ रह जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स करेंगे तब आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। अभी आप इसका फॉर्मूला याद करो, Fe NO water 5। तो ये कॉम्प्लेक्स है जिसका ब्राउन रिंग बनती है। तो ये एमसीक्यू में बेटे कभी पूछा जाता है, एमसीक्यू के एक्सटर्नल आते हैं वो भी पूछता है इसमें से कि आपके ब्राउन रिंग टेस्ट में जी उसका फॉर्मूला क्या, भी हमें बता दो। ठीक है, तो अब आपको तभी जो आप सॉल्ट एनालिसिस करते हो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ फाइल लेके आया करो अपने साथ में, जो नीचे रिएक्शंस लिखी होती हैं वो यही लिखी होती है कि कर क्या रहे हो, उसमें हो क्या रहा है, वो आप पढ़ना नहीं चाहते। जो प्रीवियस के बच्चे हैं वो भी रीड करते थे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल रोज रोज करते थे, उनके हर वीक लगते थे, उनको आदत हो गई थी कि ये रिएक्शन आखिर हो क्या रहा है, जो एक अच्छे से प्रैक्टिकल करते थे आके। अब आपके प्रैक्टिकल्स लगने हैं तो प्रैक्टिकल की फाइल लेके आना, प्रैक्टिकल को ये मत समझो कि घोल दिया और हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स, रिएक्शंस क्या हो रही हैं, हर एक नीचे की लिखा होता है, हर रिएक्शन लिखी होती है। ठीक है, समझ आ गई? तो 15th ग्रुप में अगर हम फास्फोरस को ड्रॉप कर दे, बाकी आई विल सेंड दिस इन द ग्रुप आल्सो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, अगर इसके अलावा भी अगर फास्फोरस से पूछी गई तो। रिंग टेस्ट नाइट्रेट के लिए नहीं करते थे, यही है तो बेटे पूरे है। आप ना रिंग टेस्ट में क्या करते थे? नाइट्रेट लेते थे, है ना, उसमें आप एसिड डालते थे, फिर अपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe SO4 डालते हो, फिर आप कहते हो रिंग वो रिंग बन गई ब्राउन कलर की, वो ये बनती है, ये सब रिएक्शन होती है तो बनती है। अब आ जाओ बेटे, एक हम कर लें अमोनिया की प्रेपरेशन। तो यूरिया को डाल दो भी वाटर में, यूरिया को वाटर में डालो, हरी आप। अब ये मत कहना कि यूरिया का फॉर्मूला नहीं आता, ऑर्गेनिक में फर्स्ट फॉर्मूला यही लिखते हो कि उससे यूरिया बन गया बेचारे के उसे। NH2CO NH2 को हमने क्या डाला? वाटर में। फर्स्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक की जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म कर दी थी, वाटर में डाल दिया। तो फिर उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा।
बेटे अमोनिया प्रेपरेशन की। नाम ग्रुप 16 में अमोनिया नाइट्रोजन। दस कितने क्वेश्चन पूछता है गीतेश? अच्छा अब हमने सॉल्ट एनालिसिस में आई थिंक वी हैवन डन ग्रुप 4 कर लिया। ग्रुप 3 किया आपने? किया है ना? कौन नहीं अब ये बोल कहने नहीं किया। ग्रुप 1 में कौन से रेडिकल थे? ग्रुप 1 में लेड है। ग्रुप 2 में कौन से रेडिकल है बेटे? कॉपर आर्सेनिक और लेड। ग्रुप 3 में कौन सा है? एल्युमिनियम और आयरन। और ग्रुप 4 में हम जिंक मैग्नीज वगैरह करेंगे है ना। ये आप सॉल्ट एनालिसिस में करते हो बेटे बेसिक रेडिकल निकालने के लिए जिनको आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे है। ये वो है जो आप एम ही कर जाते हो बेटे। याद करने पड़ते हैं आप पढ़ते ही नहीं हो। दिस ये जो प्लस वन आप घर भी ताया हो ना तो हम पछता रहे हैं। कभी भी ऐसे बच्चे नहीं थे हमारे पास जिनको प्रैक्टिकल ना आते हो। ये आप ऐसे ऐसे हवा में करें। हर हर बारी अगर 25 का ग्रुप होता था ना प्रैक्टिकल 5-6 बच्चे ऐसे होते थे तो इधर उधर घूमते थे उनको समझ नहीं आता था बाकी सब करते थे। इस बार ये उल्टी रेशियो है वो 5-6 कर रहे होते हैं और बाकी इधर उधर ऐसे घूम रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। 5-6 होते हैं हर साल होते हैं हमारे पास ऐसे कि जिनको देखते नहीं है वो अब उल्टी रेशियो आ रही है इस बार। चलो अब करो बेटे। दो रेडिकल लो। वन इज जिंक सल्फेट सॉल्ट लो। टेक इज जिंक सल्फेट और एक ले लो बेटे आयरन का क्लोराइड। जिंक सल्फेट आयरन क्लोराइड क्या तो सीधा लिख दे सीओ NH2 जिंक सल्फेट एंड आयरन क्लोराइड। इन दोनों को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करो बेटे। दोनों में ही बेटे दोनों सॉल्ट की हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाएंगी। राइट डाउन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अपने आप। जिंक हाइड्रोक्साइड बनाओ आयरन की हाइड्रोक्साइड बनाओ। हरी अप डेफिनेशन ही बेटे इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन कर ली तो अमोनिया एज ए गैस तो रिएक्ट करेगी नहीं। अगर आपको लैब में रिएक्ट करवाना है तो आपको एक्वो सोल्यूशन ही लेना पड़ेगा। तो अमोनिया को सोल्यूशन में क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन करो। हाँ 2 है आगे यहाँ पे भी 2 है। तुम्हें तो यूरिया का फॉर्मूला नहीं आता? अच्छा ये यूरिया का कितना आज दो से दोनों आज 60 होता है इसका मात्रा या मात्रा। जिंक हाइड्रोक्साइड बनाओ आयरन की हाइड्रोक्साइड बनाओ। हरी अप फिर अमोनियम क्लोराइड बनाओ और अमोनियम सल्फेट बनाओ। हरी आप अगर आपको याद हो बेटे आयरन आयरन ग्रुप 13 में हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में नीचे बैठता है। याद है कुछ? उसमें क्या रिएजेंट डालते हो ग्रुप 13 में? अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 3 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl। सेकंड ग्रुप का रिएजेंट क्या है? H2S। थर्ड ग्रुप का रिएजेंट क्या है? ये करो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। तो आप अगर याद हो एल्युमिनियम के जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी आए थे
अब ये याद है जिलेटिनस फाइट पीपीटी जो आए थे एल्युमिनियम के, वो किसकी वजह से आए थे? क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में बैठ गया था. कब? जब आपने एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाली थी. तो यहाँ पे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट कर रहे हो. प्रैक्टिकल्स को सीरियस नहीं लेते आप. तो ये क्या बन जाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और साथ में इनके सॉल्युबल सॉल्ट्स अलग हो जाते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? इस केस में अमोनियम क्लोराइड बनेगा नीचे वाले केस में, ऊपर वाले केस में अमोनियम सल्फेट. बनाओ अपने आप ये भी फॉर्मूलाज, हम लिख के दिखाएं क्लास टेंथ में. अभी तक बनाओ अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड. फिर नहीं आना अमोनियम के ऊपर वैलेंसी क्या है? फिर H2O4 थोड़ी ना आएगा. ये सही अब बेटे अमोनिया एक लिगेंट भी है, ठीक है? अमोनिया एक, यू विल डू इन अगेन कोऑर्डिनेशन. अमोनिया एक लिगेंट है. हम जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स करेंगे टर्म सेकंड में, तो हम ये देखेंगे कि डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है. तो जितने भी ऑर्गेनिक में आपके लुईस बेसिस थे, या जिसको न्यूक्लियोफाइल्स कहते थे, जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, ठीक है, वो वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. जब हम चैप्टर पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे तभी हो जाएगा, ठीक. अभी आप ये मान लो जितने भी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक दो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा कुछ नहीं करता. एक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें गिवर एक ही है, मगर बना कैसे? शेयरिंग से, ठीक है. तो जितने भी जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े हैं, वो दूसरे को अपने दो लोन पेयर दे के उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं. जैसे कि अमोनिया है ना, तो इससे अराइज होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल देखो, कॉपर टू पॉजिटिव जब फॉर्म में होता है तो ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है. हाँ, कोऑर्डिनेट नहीं आता आपको? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया दे रहा है. कोऑर्डिनेट होता है बेटे कोवलेंट की बहन, पर फर्क इतना है कि कोवलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों एक एक देते हैं. कोऑर्डिनेट में दोनों एक एक नहीं देते, सिर्फ एक ही दोनों प्रोवाइड करता है, मगर दोनों शेयर हो रहे होते हैं उस टाइम. आयनिक में तो ट्रांसफरेंस हो जाती है कंप्लीट, इसमें ट्रांसफरेंस नहीं होती, इसमें शेयरिंग ही है, ठीक है. ये क्लास टेंथ का कंसेप्ट है, इसमें शेयरिंग ही है, इसमें नो ट्रांसफरेंस. व्हाट इट यू डू फॉर्म H3O पॉजिटिव. If you remember, H3O positive याद है? Water के ऊपर लोन पेयर होते हैं. Water अपने लोन पेयर H plus को दे देता है. H3O positive बन जाता है. और वो बॉन्ड है coordination. NH4 positive याद है? NH4 positive याद है? Ammonia के ऊपर लोन पेयर है. वो लोन पेयर H positive को देगा. तो क्या बन जाता है? Ammonium NH4 positive. Okay यार. ये देखो अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है बेटे, ये लोन पेयर है ना, ये वाला ये लोन पेयर है, ठीक है. अब इसके पास H प्लस आया तो अमोनिया कहता कि मैं दो इलेक्ट्रॉन तो जैसे नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा ऑक्टेट खुद बिगड़ेगा, ठीक है. ऐसे कर लेते हैं हम, शेयरिंग कर लेते हैं. तो ये H आके यहाँ पे लग जाता है
तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं यही दो इलेक्ट्रॉन। इसे अमोनिया का भी नहीं ऑक्टेट हिला और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन से चले हैं, प्यार से चले हैं कि हाँ अभी दोनों मिलजुल के काम हो गया। ठीक है, सो ये जो कॉम्प्लेक्स बना बेटे, ये जो बना है कॉपर के साथ चार अमोनिया, ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की वजह से आपको कलर देगा जो क्या किस कलर का होगा, डीप ब्लू। सर कलर याद रहना चाहिए आपको। टेट्रामीन कॉपर का कॉम्प्लेक्स जो बना है, इसकी नेमिंग आप कोऑर्डिनेट में सीखोगे। टेट्रामीन कॉपर का जो ये कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, इट विल नॉट नोन एज नाउ अमोनिया, इट विल टर्न इनटू, नहीं आपने याद नहीं करना ही नहीं, आप कॉम्प्लेक्स कलर याद रखो डीप ब्लू, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर डीप ब्लू कलर याद रखना है आपने, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। अभी मैंने करवाना है, मेरे पास है, तब आप बताना आंसर इसका। कॉम्प्लेक्स का आपको स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। टेट्रामीन कॉपर, अमीनो नहीं रहता बेटे, अमीन है, ए डबल एम आई एन। अच्छा एक और रिएक्शन लिख लो बेटे, जो अमोनिया की प्रेपरेशन ही एक जैसे, रिएक्शन लिख लो क्वाइट, एक अमोनिया की प्रेपरेशन ही एक जैसे, तो एक रिएक्शन लिख लो आप। अगर आपको थोड़ी एक मिनट टाइम थोड़ा याद है, तो मैम अब याद कराओ। अच्छा आप याद करो, आप एक ब्राइन लेते थे ब्राइन, तो उससे आपको NaOH क्लोरीन प्लस वाटर मिलता था, है ना? हाँ, तो NaCl वाटर एक्वस ही हो गया। सही है। अब आपने उसका जो रिजल्टेंट है NaOH लेना है, राइट डाउन NaOH, राइट डाउन खुद लिखो NaOH प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में आपको बाय चांस पूछी जा सकती है। एक NaOH लिख लो, एक उसके नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख लो, दोनों कर लो। इन दोनों को अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करो बेटे, इसको अमोनियम सल्फेट के साथ और इसको अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो आपने इस दोनों में अमोनिया, जब इसको हीट करोगे तो एक गैस निकलेगी अमोनिया, दोनों की केस में जिसको हमने बनाना भी है, और वाटर, और इधर सोडियम सल्फेट बन जाएगा, इधर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। आपको कोई भी सॉल्ट पूछा जा सकता है, जैसे मैंने अगर अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया है तो अमोनियम क्लोराइड के साथ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है बेटे, कोई भी आप हाइड्रोक्साइड लेते हो उसको अमोनियम के किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है? तो आपको अगर हीटिंग करोगे तो आपको अमोनिया, वाटर और एक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, एक समझ आ रही है? इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर आई विल नॉट टेक। वो तो अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस, वो तो याद, नेमिंग प्रोसेस कोई भी नहीं छोड़ना। हैबर प्रोसेस पता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म अमोनिया, ठीक है? अगर आपकी उसकी
कंडीशन याद रहनी चाहिए, कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, सारा कुछ याद रहना चाहिए. ओके, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेम्परेचर लो होता है, हाई प्रेशर होता है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए. क्यों 3 मोल से 2 मोल्स बनते हैं, तो ली चैटरली प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर आपको हाई लगाना पड़ता है. गॉट इट? ये हाई नहीं है बेटे, लो है. हाई बहुत होते हैं इन प्रोसेसेस में.